अपन बात करेंगे अभी प्लाज्मोडियम, किसकी? प्लाज्मोडियम। इसके नाम मतलब अपने को मलेरिया साइकिल देखना है, अपने को मेनली ये समझना, सब लोग समझना, सबको मज़ा आएगा। अपने को जो मलेरिया बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले किससे होती है? मच्छर। कौन सा? हाँ, मेल नहीं, फीमेल है ना, प्लीज़, है ना, कहाँ गई? हाँ, मेल से नहीं होता, वो समझदार होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। हाँ, आओ अब जैसे देखो, फीमेल एनाफिलीज जो होती है, फीमेल एनाफिलीज में जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, समझना। क्या बोला? फीमेल एनाफिलीज के सलाइवा में, फीमेल एनाफिलीज का जो मुंह होता है, उसके मुंह में क्या होता है? मलेरिया का पैरासाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इतना क्लियर हुआ? जो फीमेल एनाफिलीज होती है, उसके सलाइबा में क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है, रियल में जो इसका बच्चा वाला होता है, जो इसके स्पोर होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, कि मतलब जो फीमेल में, जैसे मतलब कि जो फीमेल एनाफिलीज से ह्यूमन में जो ट्रांसफ़र होता है, वो प्लाज्मोडियम का एक स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट। याद रखना, क्या बोलेंगे? स्पोरोजॉइट, याद रखना, क्लियर। मतलब स्पोरोजॉइट क्या है? फीमेल एनाफिलीज के सलाइवा में है, फीमेल एनाफिलीज के सलाइवा में है, जैसे उसने अपने को डंक मारा, तो अपनी बॉडी के अंदर क्या भेजती है? वो स्पोरोजॉइट। मतलब कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन क्या होगा? मतलब मलेरिया का पहला स्टेज जो मनुष्य के, मतलब ह्यूमंस के अंदर जो एंट्री करता है, वो होता है स्पोरोजॉइट। एक चीज़ और याद रखो, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, जो फीमेल एनाफिलीज मतलब जो प्लाज्मोडियम है, इसके दो होस्ट होते हैं। होस्ट मतलब समझ रहे हो ना, ये दो जगह जिंदा रहता है। किस किस जगह जिंदा रहता है? तो एक जगह जिंदा रहता है फीमेल एनाफिलीज में, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी होस्ट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी होस्ट। और एक रहता है ये होता है सेकेंडरी होस्ट, और एक रहता है ये ह्यूमन में, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी होस्ट। ठीक है, अब सुनना एक चीज़ और बढ़िया चीज़ जो आ सकता है एग्ज़ाम में। क्या आ सकता है? कि जो सेकेंडरी होस्ट होता है, वहाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। और कितनी अच्छी बात है कि जो मतलब जैसे अपन लोग हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं तो किसी में सेक्सुअल होता है या किसी में एसेक्सुअल होता है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम होता है, उनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। जो कि फीमेल एनाफिलीज मतलब कि मच्छर के अंदर, मतलब मच्छर के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होता है, अपन यहाँ से अंदाज़ा लगा देते हैं। देखो, कहीं भी गैमीट्स का फ्यूज़न नहीं हुआ, यदि कहीं भी गैमीट का फ्यूज़न नहीं हुआ, फिर भी स्पोर बन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल। क्योंकि ये क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट, हाँ, विदाउट फ्यूज़न या विदाउट, ठीक है, विदाउट फ्यूजन यदि गैमीट्स का फॉर्म होता है, ठीक है, तो हमारा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एग्ज़ाम में, छोटे मोटे एग्ज़ाम में, जैसे अभी नीट का पेपर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतने में वो रुक जाएगा। कितने में रुक जाएगा? सबसे पहले फीमेल एनाफिलीज, जो मलेरिया का पैरासाइट अपनी जगह से ले जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। क्लियर हुआ? उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फीमेल मतलब जो इसका प्लाज्मोडियम है, इसके दो होस्ट होते हैं, एक होते हैं ह्यूमन, एक होता है मच्छर खुद, फीमेल एनाफिलीज खुद। जो फीमेल एनाफिलीज होता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, ये प्राइमरी होस्ट होता है। मतलब कि जो मच्छर का बच्चा है, प्राइमरी होस्ट मतलब ह्यूमन के अंदर बड़ा होता है। मच्छर बना ना, मतलब मच्छर का जो स्पोरोजॉइट्स है, वो ग्रोथ किसके अंदर होता है? वो ह्यूमंस के अंदर ग्रोथ होता है। और ग्रोथ होने के बाद उसकी शादी कहाँ होती है? फीमेल ना, देखो ना, मंडप टाइप का सजा तो है, बढ़िया। तो शादी कहाँ होगी? क्लियर। तो जो जहाँ शादी होगी, वो उसका लड़की का दूसरा घर हुआ ना, ससुराल, ऐसा, ठीक। तो ये ऐसा, फिर वो वहीं की हो जाती है, नहीं समझ में आया? ठीक है।
ठीक है। चलो तो अब अपन देखेंगे, इतना तो मैंने बता दिया जो एग्ज़ाम में आता है, कितना हो गया अपने को कि जो फीमेल एनाफिलीज होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है, जहाँ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है, ये प्राइमरी होस्ट होता है जहाँ सिर्फ क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको यहीं पर बता दिया। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ से देखो, इसको देखो स्पोरोजॉइट, ये स्पोरोजॉइट के बाद ह्यूमन के अंदर एंट्री करती है, या तो ह्यूमन के अंदर एंट्री करेगा, उसको ह्यूमन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। क्लियर। तो ये स्पोरोजॉइट के बाद कहाँ एंट्री करती है, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन से माइक्रो गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट किसके अंदर एंट्री करता है, मच्छर के अंदर। मतलब कि अब जैसे हमको मलेरिया है, हमारे बॉडी के अंदर ये दोनों स्पोर्स हैं, ये दोनों गैमेट्स हैं, कौन सा, माइक्रोगैमिट्स और माइक्रोगैमिट्स, एक ही सेल में है, ये अलग अलग नहीं रहते, देखो ना ये सेल एक ही है पूरी, ठीक है, जिसको हम बोलते घोस्ट आरबीसी। तो इस सेल के अंदर ये दोनों हैं। अब जैसे अपने को मच्छर ने काटा, तो मच्छर हमारी बॉडी से जो मच्छर लेता है ना गैमिट्स, वो किसको लेता है, माइक्रोगैमिटोसाइट और माइक्रोगैमिटोसाइट, माइक्रोगैमिटोसाइट माइक्रोगैमिटोसाइट, ये दोनों स्टेज को मच्छर ने अपने डंक में, जो भी उसका माउथ में उसने लिया, और ये किसी सेकेंड पर्सन को जब जाके डंक मारता है तो उसकी बॉडी में ये छोड़ता है। इसका मतलब कि जब ये दोनों ले लेता है ना, तो मच्छर की बॉडी के अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है, फिर ये बनता है और जाके, जैसे मच्छर ने अभी मेरे को काटा, जस्ट अगले सेकेंड इसको काट देगा तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली प्रोसेस तो हो ही नहीं पाई थी, मतलब ये वाली प्रोसेस में ये फर्टिलाइजेशन ये सारी स्टेज बनी नहीं पाई थी। क्लियर हुआ। तो चलो अब मेरे को ये समझ में आया कि माइक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट जो होती हैं तो ह्यूमन बॉडी से मच्छर के अंदर एंट्री करती हैं, और जो स्पोरोजॉइट होता है वो मच्छर से ह्यूमन के अंदर एंट्री करता है। धीरे धीरे सारी स्टेजेस समझते जाना, अपन 2% चीज़ें अभी सीख चुके हैं। क्लियर कि प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और ये ठीक है। अब मैंने इसकी बात कर रहे हैं स्पोरोजॉइट का, जैसे मच्छर ने डंक मारा, मच्छर ने डंक मारते ही हमारी बॉडी के अंदर क्या छोड़ दिया, स्पोरोजॉइट। अब ये जो स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी के अंदर छोड़ा है, 30 मिनट तक ये ब्लड वेसल्स में रहता है, कहाँ रहता है, 30 मिनट तक ब्लड वेसल्स में रहता है, ब्लड वेसल्स से न्यूट्रिशन लेता है और ग्रो करता रहता है। 30 मिनट बाद ये स्पोरोजॉइट कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजॉइड में, देखो आइट की जगह आईडी हो गया। क्लियर, समझना, स्पोरोजॉइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोजॉइड में, और ये चला जाता है बेटा लीवर सेल में, कहाँ चला गया, अब लीवर सेल में इसका ग्रोथ होता है, लीवर से न्यूट्रिशन गेन करता है, लीवर सेल में इसका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के बाद इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये बना देता है क्रिप्टोजॉइट्स, क्या बना देता है, देखो इसका साइज बड़ा हो गया, अब इसका साइज और बड़ा होता जाता है, और जब लिमिट से ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो ऐसे छोटे छोटे मतलब घुंघरू टाइप के, समझ गए नहीं समझे, मतलब ऐसा कोई फ्रूट्स बताओ जिसमें छोटे छोटे लगे होते हैं, एक ही रहता है क्या, हाँ बेरी, वो लाल लाल जो रहता है ना, मतलब एक ही रहता है छोटे छोटे, अरे वो रानी फल, सीताफल, क्या नाम है ना, सीताफल, ऐसा है सीताफल रहता है ना, छोटे छोटे निकले रहते हैं ना, वैसे ये आगे ग्रो करके ऐसा हो गया है ना सीताफल टाइप का, तो जिसको हमने बोल दिया साइजोंट, क्या बोल दिया, चार स्टेज समझ में आई, स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइड, क्रिप्टोजॉइड और साइजोंट, याद करवा दूंगा अभी सारी, कितनी हो गई, स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट और साइजोंट। अब ना इसमें और ग्रोथ होता है और ये फट जाता है, मतलब एक ही गैमिट्स था, एक ही था साइजोंट, अब इसमें लीवर से खाना खा के वो मतलब फटता है, और उसके जितने टुकड़े होते हैं ना उतने नए बना देता है वो क्रिप्टोजॉइट, ठीक है। तो ये देखो आगे चल के ये इस तरह से पूरा फूट गया, अब फूट जैसे ये फट जाता है, तो फट गया मतलब कि एक बॉडी से बहुत सारी बॉडी बन गई, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फ्यूजन या मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक बॉडी से बहुत सारी बॉडी बन गई, जैसे वो कैक्टस का प्लांट होता है, जितने सारे तुम बॉडी को काट दोगे उतने सारे बन जाएंगे, जैसे आलू एक जगह से बहुत सारे निकलते हैं, अलग अलग काट के निकाल दो, ऐसे ये बहुत सारे निकलता है, और इसको हम बोलते हैं क्रिप्टो मीरोजॉइट, याद रखना क्या, मीरो,
क्या हमने ऐड किया क्रिप्टोजॉइड में, क्या ऐड किया क्रिप्टो मीरो, मजा आएगा पूरा याद हो जाएगा, मैंने क्या ऐड कर दिया क्रिप्टो मीरोजॉइड, क्लियर। अब क्रिप्टो मीरोजॉइड जो होते हैं 1000 से 1500 होते हैं, कितने होते हैं 1000 से 1500। अब ये मीरो क्रिप्टोजॉइड जो होता है कुछ चला जाता है आरबीसी में, लीवर में जैसी फूटा तो कुछ कहाँ चला जाता है आरबीसी में, ये कुछ चला गया आरबीसी में, कुछ यहीं बचा रह जाता है लीवर में ही, कुछ आरबीसी में चला जाता है कुछ लीवर में बचा रह जाता है, और ये जैसे लीवर में बचा रह जाता है तो इनमें से अब कोई एक वाला पार्ट हमारा कहलाता है मेटा क्रिप्टोजॉइट। अभी मीरो बचा हुआ है, मीरो क्यों बचा, क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लगा देंगे तो मीरो आ जाएगा, क्लियर। तो हमारा क्या बचा हो गया मेटा क्रिप्टोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट साइजोंट, अब समझना क्रिप्टोजॉइट साइजोंट, साइजोंट के बाद क्रिप्टो मीरोजॉइट और फिर मेटा क्रिप्टोजॉइट फिर से, क्लियर। इसके बाद इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक होगा माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट, इसमें माइक्रो लगा दो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट, और एक रहेगा मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट और मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट। जो माइक्रो होता है मतलब उसकी नंबर कम होता है ना, तो इसमें जैसे माइक्रो में क्या रहेगा, देखो माइक्रो मेटा, अब लगा दिया मैंने मीरो, देखो बहुत सारे हो गए, मैंने जहाँ पे नंबर ज़्यादा रहेगा क्या लगेगा तो ये हो गया देखो माइक्रो मेटा मीरो क्रिप्टोजॉइट, जिनमें से 100 से 1000 नंबर हो सकते हैं, और ये इन्फेक्शन करता है आरबीसी को, ये आरबीसी को मारता है, जिस वजह से जब मलेरिया होती है तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, यूरिन का कलर हल्का लाइट येलो कलर का हो जाता है। उसके बाद कुछ जो हमारे ये मीरोजॉइट्स जो होते हैं ना, कुछ मीरोजॉइट्स लीवर में ही बचे रहते हैं जो लीवर सेल को इन्फेक्टेड करते हैं, लीवर भी ख़राब होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मेटा मीरो क्रिप्टोजॉइट। इनका नंबर 60 के अप्रोक्स होता है, इनका नंबर 64 के अप्रोक्स होता है, 60 या 64 के, तो बड़े हैं तो साइज छोटा हो, मतलब कि साइज कम है, वो नंबर कम है तो साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम मैक्रो लगा दिए, ये मीरो लगा दिए, अभी नोट मत करो। उसके बाद देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना, एक बार अपन फिर से यहाँ तक रिवीजन करवा देते हैं, देखो फटाफट। हमारी बॉडी के अंदर गया तो क्या बोलेंगे, बोलते जाना सब लोग स्पोरोजॉइड, बॉडी के अंदर गया ब्लड वेसल्स में, आधे घंटे में उनने न्यूट्रिशन गेन किया, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता है, क्या बोलते हैं स्पोरो, फिर ये लीवर सेल में लीवर से न्यूट्रिशन गेन करता है और साइज और बढ़ा लेता है, क्या बोलेंगे, उसके बाद वो सीताफल टाइप का, अब वो फूट जाता है, जैसे फूटेगा तो मीरो लगेगा, क्योंकि नंबर ज़्यादा हो गया ना, तो हम बोलेंगे क्या क्रिप्टो मीरोजॉइट 1000 से 1500। इनमें से कुछ क्रिप्टो मीरोजॉइट कहाँ चले जाते हैं आरबीसी में, कुछ वहीं रह जाते हैं जो, जिसको हम बोल देंगे मेटा क्रिप्टोजॉइट। मैंने मीरो क्यों हटाया, क्योंकि एक आ गया, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ गया अपना, देखो फिर दो में डिवाइड हो जाता है, एक माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट, एक मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट। सुनना, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट, सॉरी माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड, मैक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड, अब ये साइज बढ़ जाएगा तो माइक्रो मेटा मीरो क्रिप्टोजॉइड, और मैक्रो मेटा मीरो क्रिप्टोजॉइड, क्योंकि नंबर बढ़ा देगा, मैक्रो मेटा मीरो क्रिप्टोजॉइड नंबर कम है, 64 है तो साइज बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ये किसको इन्फेक्टेड करेगा, लीवर सेल को, ये क्या होगा देखो माइक्रो मतलब किसका क्या है, साइज छोटा है तो नंबर ज़्यादा होगा 100 से 1000, जिसको हम बोलेंगे माइक्रो मेटा मीरो क्रिप्टोजॉइट, जो आरबीसी को इन्फेक्टेड करेगा। हमको लगता है याद हो गया यहाँ तक, कितना इजी है। स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट हो गया। चलो आ जाओ, अब ये वाला पहली बार ये यहाँ से पहली बार इन्फेक्टेड करके दोबारा आरबीसी में आया। मनीष वो लोग मैथ वाले, उनको नहीं सीखेंगे तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 मिनट की बात है, एकदम ध्यान से, है ना।
तो ये पहली बार अपने आरबीसी में आता है, और जैसे ये आरबीसी में आता है ना, देखो ब्लड वैसे ये पूरी अभी लीवर में काम चल रहा है, कहाँ काम चल रहा है, लीवर में। लीवर से जैसे ये आरबीसी में आता है तो अपने को बुखार आना शुरू होता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इतने केस तक अपने को फीवर नहीं आता, इसलिए नहीं पता चल पाता कि मलेरिया है, इसलिए अपने को फीवर आ जाता। पहले पता चल जाता, अपन पहले मार दें तो पहले पता नहीं चल पाता। जब ये देखो ना कितने ग्रोथ कर दिया, 1000 से 1500, तब फर्स्ट टाइम अपने को ये जब यहाँ से निकल के कहाँ आता है, आरबीसी में। जब आरबीसी में आता है तो अपने को पता चलता है कि अपने क्या है, मलेरिया। अभी आगे हम देखेंगे। तो ये यहाँ से कौन, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स कहाँ आ गया, आरबीसी में, और एक माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइट। सुनो ये दोनों सेम होते हैं, प्रोक इसी का एक पार्ट ये होता है। ये दोनों कहाँ आ गए, आरबीसी में। अब ये आरबीसी में आएंगे तो हमारे आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। मनीष इसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा सारी साइकिल, ठीक है। कहाँ ये कहाँ होता है अपने आरबीसी में। अब आरबीसी में हमारे रहता है न्यूट्रिशन, हीमोग्लोबिन, आयरन, सारे जो अच्छे अच्छे केमिकल्स हैं कहाँ रहते हैं, आरबीसी में। तो उसको बढ़िया बढ़िया खाना मिलने लगता है और वो ग्रो करने लगता है कोई एक। तो ये ग्रो करके हमारा बनाता है देखो एक ट्रोफोजॉइट। क्या बनाता है, ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट्स अब इसी में पता है डिवाइड होकर बहुत सारी रिंग टाइप की बना देती हैं, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल या सिग्नेट रिंग स्टेज। आरबीसी के बाद याद रखना, जब आरबीसी में जाएगा तो ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट के बाद वैक्यूल बनाता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या बोलेंगे, सिग्नेट रिंग स्टेज। ये सिग्नेट रिंग स्टेज जो होती है, ये देखो अब रेड कलर का बड़ा हो गया ये, और इसके अंदर क्या रहते हैं, साइटोप्लाज्म रहता है, जिनमें से ये हमारा वो न्यूक्लियस, अभी छोड़ दो, वो मैच्योर आरबीसी में होगा, वैसे न्यूक्लियस ही रहता है लेकिन इमैच्योर में। चलो तो यहाँ पे रहता है। अब देखो जो हीमोग्लोबिन था उसने हीमोग्लोबिन को डैमेज करने लगा हमारा। वैसे जो हीमोग्लोबिन है इस तरह रहता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा चुका था, ठीक है। लेकिन ये स्पोरोजॉइट आया, माइक्रोमेट स्पोरोजॉइट आया, हमारी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन उसको रप्चर करने लगा, ख़राब करने लगा, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीमोजॉइट ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्यों, क्योंकि उसको तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो हमने क्या बोल दिया उसको, हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स। ये हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स थोड़ा और बड़े बड़े हो गए, मतलब पूरा एकदम टूट ही गया। जब टूट गया तो कहीं पे क्लस्टर टाइप का बन जाएगा, मतलब कि एक कस्टर हो गया, समझ गया, क्लस्टर मतलब समझते हो ना, ठीक है। नहीं समझे, नहीं समझे तो इसका एक हिंट है, जैसे अपनी फिंगर है ना, ऐसे वो होता है मूसर टाइप का, ऐसे एकदम मारो कच्चा आग तो ये कैसे फैलेगा, एकदम एकदम बारीक बारीक ऐसे, ऐसा ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम बोलेंगे जहाँ हीमोजॉइन रहेगा अमीबॉइड स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमीबॉइड स्टेज। आगे चल के ये साइजोंट स्टेज, साइजोंट मतलब कि थोड़ा सा फूल, आधा खिला हुआ फूल, अभी खिलने वाला है, समझ गए हो, मतलब वो फूल अभी बस मतलब ऐसे देखना है बस, वो अभी देखना है, वो देख के मतलब नहीं समझे, अरे यार ठीक है ऐसे। ये हो जाएगा साइजोंट स्टेज, ये थोड़ा ज़्यादा खुला, डेवलप साइजोंट स्टेज। अब ये एकदम गुलाब के फूल जैसा यहाँ पे हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रोजेट स्टेज, एकदम गुलाब के फूल जैसा बढ़िया एकदम खिल जाता है, लेकिन कांटा है अपने लिए, है ना। ये अब ये खिलने के बाद ये ना बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है और तुम लोगों जैसे दिखने लगता है, कैसे, हाँ वेरी गुड, कैसे दिखने लगता है, घोस्ट, जिसको हम क्या बोलें, भूत, मत डराओ बच्चे डर जाएंगे, ठीक है। तो ये रोजेंट स्टेज के बाद ये डेवलप होता है और फूट जाता है, डेवलप होके आरबीसी फूट गई, आरबीसी रप्चर हो गई, तो उसको हम बोलते हैं घोस्ट आरबीसी। क्या बोलेंगे, घोस्ट आरबीसी। अब इसके अंदर जो ये मीरोजॉइट आया था ना, डिवाइड होकर दो बनाता है, एक बनाता है मैक्रोगैमिट्स, एक बनाता है माइक्रोगैमिट्स। माइक्रोगैमिट्स और माइक्रोगैमिट्स दोनों का ये जैसे मच्छर काटेगा तो अब ये दोनों उसके माउथ में चले जाते हैं, अब वहाँ जाके इनमें होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक देखो यहाँ तक सारा क्या था, एसेक्सुअल वाला था, यहाँ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का फ्यूजन हुआ, माइक्रो और माइक्रो का, अब बन गया एक्सफ्लैजिलेशन, इस टाइप का कुछ स्टार टाइप का, क्लियर। इन दोनों के बाद ये दोनों गैमिट्स हैं, है ना, गैमिट्स में मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, गैमिट्स है, गैमिट्स में फ्यूजन हुआ तो बन गया जाइगोट, जाइगोट के बाद ये हमारा ये हो गया, देखो यहाँ तक हमारा जाइगोट, जाइगोट मतलब यहाँ तक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जाइगोट आके बनाएगा उकिनेट, क्या बनाएगा, नाम बोलोगे नहीं तो भूल जाएगा,
ओकिनेट, ओकिनेट के बाद उस साइड स्पोरेंट, अब स्पोरेंट के बाद जो बाहर की कवरिंग है उसको बोलेंगे स्पोरोसाइट, और जो उसके अंदर ये है वो हो जाएगा स्पोरोजॉइट। और ये अब देखो यहाँ के बाद इनमें एसेक्सुअल होने लगा, बहुत सारे बन गए ना, तो यहाँ के बाद क्या होने लगा एसेक्सुअल, मतलब इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होने लगे, और यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ एसेक्सुअल ही हुआ, क्लियर हुआ। चलो तो ये हो गया हमारा, देखो ये आगे जाके बनाया। अब ये जो होती है ना इसका क्रोप, मतलब माउथ का जो वक्कल कैविटी होती है ना उसके उसके क्रोप में होता है, मतलब समझो जैसे मुँह है ना अपने, तो जहाँ पे लेयर वाला जो है ऐसे, तो ये उकिनेट, उसाइट, स्पोरेंट, स्पोरोजॉइट और स्पोरोजॉइट। फिर यहाँ से मच्छर ने डंक मारा और ये दूसरी की बॉडी में चली गई। अब एक चीज़ और सुनना, अरे यार बातें करोगे तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, या तो बाहर चले जाओ या शांत रहो, दो मिनट की तो बात है, वो मेरा क्या डिस्टर्ब होता है ना, तो अब बहुत सारी चीज़ें फिर छूट जाएंगी और लगभग छूट चुकी हैं। देखो क्या नहीं बताया, अब सुनो क्या क्या नहीं बता पाया। जैसे ये अपने को मतलब जैसे काटता है ना, तो अब मेन चीज़ें सुनना, अपने रिजल्ट कभी क्यों नहीं आते। जैसे मलेरिया का अपन जांच करवाने जाते हैं ना, तो अपन मलेरिया का जांच नॉर्मली कब करवाने जाते हैं, जब अपने को फीवर नहीं होता है। जब फीवर नहीं था, समझना मेरी बात, अब क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ तुम लोगों ने भुलवा दिया बीच बीच में बात कर करके। चलो जैसे मान लो ये वाला और ये वाला आरबीसी में आए, और जैसे ये आरबीसी में आते अपने को तेज़ बुखार शुरू हो जाता है, तेज़ बुखार शुरू होता है। जैसे तेज़ बुखार आता है ना, तो तेज़ बुखार में हम लोग हिलडुल नहीं पाते और कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, लेटे रहते हैं। और जब हमारी बॉडी में तेज़ जब मतलब फीवर तेज़ आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो बॉडी के टेम्परेचर की वजह से ये जो स्पोरोम्यूरोजॉइट्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर ही मर जाते हैं। लेकिन याद रखना अभी लीवर में है, वो कंप्लीट नहीं मरा, जो आरबीसी में आया वो मर गया। अब जैसे हमको फीवर आया और जैसे वो मतलब स्पोरोजॉइट थे कहाँ आ गए, ब्लड में आ गए, अब ब्लड में तेज फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। और जब हमारी मतलब फीवर उधर मतलब सही हो गया, तो हम गए कहाँ, लैब गए चेक कराने, उसने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ब्लड में अभी है ही नहीं, मर चुका है, कहाँ है वो। तो हमको कब टेस्ट करवाना चाहिए मलेरिया का, जब बुखार आने वाला हो या बुखार हो, जब बुखार आने वाला है, जब बुखार होगा तो वो कहाँ है अभी, ब्लड में। तो जैसे आप सैंपल निकालोगे सीधे सीधे ब्लड से आ जाएगा सैंपल, लेकिन यदि जैसे बुखार ठीक हुआ उस टाइम पर यदि मलेरिया की जांच करवाने जाओगे तो ज़्यादातर चांस रहता है रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन मलेरिया ठीक नहीं होता, फिर डॉक्टर बोलेगा एक बार और चेक करवाओ, फिर वो पूछेगा कब चेक करवाए थे, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं रहता ना बताने के, उसको लगता है कि लैब वालों को पता रहता है लेकिन उनको रियल में नहीं पता रहता, समझ में आया। तो मलेरिया का जांच कब होता है, जब अपने को फीवर आता है, तो जैसे फीवर आया तो लीवर से निकल के कहाँ आया, ब्लड में, उसी टाइम सैंपल निकाल लो तो आ जाएगा। बुखार ठीक होने के बाद यदि करवाओगे तो सैंपल नहीं आएंगे, क्योंकि बुखार जैसे बॉडी के ब्लड में आया, बॉडी का टेम्परेचर तेज हुआ, बॉडी का टेम्परेचर तेज होने की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वो मर गया, मर गया तो रिपोर्ट में आएगा नहीं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मलेरिया साइकिल, एक बार फटाफट रिवीजन कर लो फिर अपन आगे चलते हैं। कौन कौन किस किस को याद हुआ सारा, तुमको याद हुआ बोलो।